بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने इस दुनिया में इंसानों को बसाया है और एक ख़ास मकसद इब्तिला व इम्तिहान अब्दियत व बंदगी के लिए अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा किया और इस कायनात में बसाया। इस मकसद में कामयाब होने का जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंशा था, उस मंशे से बंदों को आगाह करने और बंदों को अल्लाह ताला की रिज़ा के रास्ते पर डालने के लिए अल्लाह पाक ने शुरू ही से दो निज़ाम बनाए हुए हैं। एक ये है कि अल्लाह ताला अपने इल्म को और अपने मंशा को अपने किसी ख़ास बंदे तक पहुंचाता है और इसके लिए बंदों में से किसी बंदे का इंतखाब फरमाता है। हर हर बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात कर सकता है, मगर करना उसकी मशीयत और हिकमत के मुताबिक नहीं था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों में किसी बंदे को अहल बनाया, चुना, इंतखाब किया, उसे सलाहियतों से सरफराज किया और उसके कल्ब को वही इलाही के तहम्मुल के लायक बनाया। फिर अल्लाह ने अपना खिताब उसकी तरफ मुतवज्जह किया। ऐसे बंदे को नबी कहते हैं। नबी पर जो अल्लाह का खिताब पहुँचता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मैसेजेस पहुँचते हैं, उसको वही कहते हैं। वही अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके माना है ख़बर देने का खुफिया तरीक़ा। एक तो ज़ाहिरी तरीक़ा है कि एक आदमी आदमी से बात करे, ये ख़बर देने का ज़ाहिरी तरीक़ा है, और एक खुफिया तरीक़ा है, बस उसके इल्म से उसके इल्म का कनेक्शन हो गया और बात पहुंच गई। वो ज़रिया फरिश्ते का हो तो भी मख्फी है, वो ज़रिया कलाम इलाही का हो तो भी मख्फी है, वो ज़रिया इल्का और इल्हाम का हो तो भी मख्फी है, कोई भी जाहिर नहीं है, इसलिए उसको वही कहते हैं। ख़बर पहुंचाने का मख्फी और पोशीदा तरीक़ा, और नबी कहते हैं ऐसी बातों की खबर देने वाले को जिन बातों का इल्म मुशाहिदे से ताल्लुक़ नहीं है, गैब से उसका ताल्लुक़ है। जो आँखों को नज़र आता है सबको नज़र आता है, नबी को भी वही नज़र आता है, लेकिन बहुत सी हकीकतें वो हैं जो इंसानी बसारत वहाँ तक पहुँच नहीं सकती।
हमारा विजन, हमारी हमारी बिनाई की पहुंच वहाँ तक नहीं है। बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं दुनिया में जहाँ तक आदमी अपनी आँख से देख के नहीं पहुँच सकता, उसको गैब कहते हैं। जिसको हम देख पाते हैं उसको मुशाहदा कहते हैं। शहादत मौजूद और गैब, जो गैर मौजूद है, सामने नहीं है, जहाँ तक इंसानी बसारत पहुँच नहीं पा रही है, वो गैब है। और अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के अफ़ाल व अस्मा और अल्लाह ताला के मशीयत, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, किस चीज़ से खुश होते हैं और किस चीज़ से नाराज़ होते हैं, उनकी खुशी का क्या फ़ायदा बंदों को मिलता है, उनके नाराज़ होने से बंदों का क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें गैब हैं, किसी के मुशाहदे में नहीं है, किसी की आंखें नहीं देखती इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें गैब हैं। ये गैब को अल्लाह ने वही के ज़रिए नबी तक पहुंचाया और नबी ने हमें उसकी खबर दी, इसलिए उसको नबी कहते हैं। तो बस ये दो ज़रिए हैं इंसानों को अल्लाह की मर्ज़ी जानने के वास्ते, इंसानों को ज़िंदगी का मकसद जानने के वास्ते, इंसानों को मकसद हयात में कामयाब होने का वसीला और ज़रिया जानने के वास्ते। यही दो चीज़ें हैं, वही इलाही और नबी, जिसको अल्लाह ने बंदों में से चुना अपने और बंदों के बीच में वास्ता बनाने के वास्ते। यह है अल्लाह का निज़ाम हिदायत, जो उस दिन से जारी फरमाया जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में जाने का हुक्म मिला था। उस वक्त से लेके खातमुन नबीयीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को कंटिन्यू रखा। वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई कबीला, ख़ानदान, इलाका ऐसा नहीं है जहां हमने अपने नबी को न भेजा हो। किसी भी उम्मत को हमने उस वक़्त तक अज़ाब नहीं दिया जब तक के वहाँ हमारे नज़ीर को, हमारे दाई को और हमारी बात पहुँचाने वाले को नहीं भेजा। भेजने के बाद, हुज्जत पूरी होने के बाद किसी भी कौम पर अजाब आया है तो आया है उससे पहले। कुरान कहता है हमने किसी पर अजाब नहीं भेजा, क्योंकि हम ना बताते और अजाब देते तो जुल्म होता, इसलिए पहले बताना ज़रूरी था, इसलिए पहले नबी भेजा गया। इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई ख़ानदान, कबीला, इंसानी आबादी, मोहल्ले, बस्ती ऐसे नहीं हैं जहां अल्लाह ने अपना रसूल न भेजा हो, नबी को न भेजा हो, ऐसा कोई नहीं है। हर जगह अल्लाह ने हुज्जत पूरी फरमाई और अपनी तरफ बुलाने वाले को भेजा। और जब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो आप इमामुल अंबिया हैं, नबीउल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, अफजलुल अंबिया हैं। तमाम नबी उन पे ईमान लाए और तमाम नबियों ने आरजू की कि बजाय नबी होने के उनकी उम्मत होने का शरफ हासिल हो जाता, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में, अल्लाह की वही में आपके बारे में इतनी बातें, इतनी फजीलतें, इतनी बुजुर्गियाँ पढ़ी थी और अल्लाह की तरफ से जानी थी कि कोई भी होता तो उसके दिल में आरजू होती। आज भी जब कोई सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अपनी सीरत के आईने में देखता है तो वो अपना हो या पराया हो, उसका दिल फिदा होने और क़ुरबान होने को चाहता है। वो मकाम ही ऐसा है, वो शख्सियत ही ऐसी है, अल्लाह ने उसको बनाया ही ऐसा। जितने नबी हुए हैं 1,24,000, अरब में आए हों कि अजम में आए हों, अल्लाह तो कह रहा है कि हर कौम में मैंने भेजा है। जहां आए हों, जिस जुबान में आए हों, जिस कौम में आए हों,
उस कौम का सबसे अच्छे ख़ानदान, सबसे महज़ब ख़ानदान, सबसे शरीफ ख़ानदान से अल्लाह ने चुना और उन्हें उठाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़ाहिर के एतबार से भी कामिल बनाया और बातिन के एतबार से भी कामिल बनाया। ना उनके बनावट में कोई नक्स है, न शक्ल में कोई नक्स है, न सूरत में कोई कमी है, न सीरत में कोई कमी है। अल्लाह ने चुन के ऐसा बंदा दिया और फिर अल्लाह ने चुन के उनकी तरबियत खुद फरमाई, अल्लाह ने खुद उनको इस लायक बनाया। इसलिए नबी कोई हो, किसी कौम और किसी इलाके का हो, वो अपनी कौम में, अपने इलाके में सबसे मोतबर, सबसे मुअज्जज़, सबसे ज़्यादा शरीफ और सबसे ज़्यादा इज्जत वाला होता है। उसको अल्लाह वही भेजते हैं ताकि वो कहे तो लोगों के दिलों पे असर पड़े, ताकि वो कहे तो लोगों को झुटलाना मुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको चुनते हैं। हर बंदा चुना हुआ है जिसको अल्लाह ने नबी बनाया और जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। और जब इस पूरी जमात अम्बिया का जो इमाम होगा और जो इस पूरी जमात अम्बिया की नबुवतों का जो सर चश्मा होगा, जहाँ से नबियों ने नबुवत की प्यास बुझाई है, तो अल्लाह ताला उसका इंतखाब कैसे फरमाए। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर हाथ रखकर उठाया। अल्लाह का हाथ, बस हाथ का लफ्ज़ है तो हम ईमान रखते हैं, पर कैसा हाथ है ये नहीं सोच सकते हम। सबको ईमान रखना चाहिए लेकिन इसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं करना चाहिए। जो तसव्वुर करेंगे वो शिर्क होगा, वो गैरुल्लाह होगा। इसलिए कोई तसव्वुर नहीं करना चाहिए लेकिन मानना चाहिए कि हदीस सही में लफ्ज़ आया है तो मानना है, कुरान में आया है तो मानना है। इसलिए अल्लाह ने अपना यमीन, अपना हाथ रखा आदम अलैहिस्सलाम की उस पुतले की पीठ पर, और जब अल्लाह ने उस हाथ को उठाया तो जितनी रूहें, रूह आदम में अल्लाह ने रख दी थी क़यामत तक की उनकी ज़ुर्रियत और औलाद की, वो सब बाहर निकल के आई। अब कहा जाता है कि हर रूह इंसान की उसी इंसान की जैसी शक्ल व शबाहत में होती है, हर इंसान की रूह उसके जैसी होती है। अब ये सारी रूहें अल्लाह के सामने आ गईं, ऐसे जैसे किसी बड़े बर्तन में अनाज के दाने होते हों, जैसे बड़ी लगन हो, सीन हो, उस सीनी में एक मुट्ठी जौ डाल दी गई हो तो वो उसमें बिखर जाएगी। होंगे तो सैकड़ों हजारों दाने लेकिन जब देखेंगे तो सब नजर आएंगे, एक साथ सब दिखाई देंगे। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हज़रत आदम से लेकर के क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान की रूह एक ही नज़र में सामने थी अल्लाह ताला। जब अल्लाह ने उन रूहों पर नज़र डाली तो उन रूहों में जिसकी जबीन, जिसकी पेशानी सबसे ज़्यादा मुनव्वर थी, चमकदार थी, अल्लाह ने उसको चुना कि मैं इसको खातमुन नबीयीन और अपना महबूब बनाने वाला हूँ। ये अल्लाह ने चुना है एक पैदा होने के बाद के इंसानों में से नहीं, तमाम अव्वलीन और आखरीन में से चुना है अल्लाह ताला। चुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किया ये मेरा आखिरी नबी है और यही असली नबी है। नबुव्वत की हकीकत नबुव्वत मुहम्मदिया है, इसी में से नबियों को अल्लाह ताला ने नबुव्वत बाटी और तकसीम की। सारे अंबिया मिशकात नबुव्वत मुहम्मदी से इस्तिफादा करके दुनिया को रोशनी देते रहे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी अपनी रोशनी। जो जाती है अल्लाह ने उन्हीं को नबुव्वत खासा अता फरमाई है। जैसे सूरज की रोशनी जाती है और सितारों की रोशनी सूरज से मांग कर ली गई है, और जब सूरज निकलता है तो सितारे बुझ नहीं जाते, उतनी ही रोशनी के साथ मौजूद होते हैं,
लेकिन इस रोशनी के सामने टिक नहीं पाते, इसलिए इसके पर्दे में छुप जाते हैं। इसी तरीके से कोई नबी अपनी नबूवत की रोशनी को ख़त्म नहीं किया हुआ है, मौजूद है उसके साथ, उसके सीने में, उसकी बरज़ख में। लेकिन जब नबूवत मुहम्मदी का आफ्ताब तुलू हुआ तो इसकी रोशनी के पीछे सब चले गए, सब इस रोशनी के पर्दे में दूसरी रोशनियां छुप गई। इसलिए ये रोशनियों का सरदार है, ये अंबिया का इमाम है और ये सबसे अफजल है। आप सीरत तैयबा पढ़ें, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अज़ीम हैं, बड़े मुहक्किक हैं। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक किताब अपनी सुनन के आखिर में लिखी, जो अलग से भी मिलती है, उसका नाम है शमाइल तिर्मिज़ी, अश्शमाइल मुहम्मदिया। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत का तआरुफ़, बस शख्सियत का तआरुफ़ है उसके अंदर कैसा है। इसकी हदीसें सब अलग करके एक अलग किताब लिखी जो शमाइल तिर्मिज़ी के नाम से मशहूर है। इसको उलमा ने उर्दू ज़ुबान में सराहत और वजाहत करके उर्दू में भी लिखी है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहिमहुल्लाह ने खसाइल नबवी के नाम से शमाइल तिर्मिज़ी का उर्दू में तर्जमा किया। तर्जमे की इसलिए ज़रूरत है कि जब किसी के हुस्न जमाल को, खूबियों और कमालात को बयान किया जाता है तो जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो बहुत मुश्किल होती है। आला दर्जे के अल्फाज होते हैं, आम अरब भी नहीं समझ सकते, ऐसे अल्फाज होते हैं जो ख़ास कमालात की निशानदही करते हैं। तो सहाबे किराम ने आपके कमालात ज़ाहिरी व बातिनी, सूरती व सीरती को जब बयान किया तो ऐसे ऐसे मुश्किल अल्फाज अरबी के आए हैं कि बहुत आसानी से उसको आम आदमी नहीं समझ सकता, अरबी जानने वाला भी नहीं समझ सकता, इसलिए उसकी बड़ी सराहत की ज़रूरत है। चुनाचे अल्लाह के वो बंदे जिनके सीने इश्क़ मोहब्बती से मामूर थे, उन्होंने ये काम किया तो बहुत अच्छे तरीके पर यह काम सामने आया। मैंने सिर्फ एक अरबी किताब एक उर्दू किताब का नाम लिया है, दो ही नहीं हैं, बहुत हैं। उर्दू में भी बहुत उलमा ने लिखी हैं, आप कोई सी भी ले लीजिए और कोई सी भी ले करके पढ़िए, अपने नबी का ज़ाहिर और बातिन, अपने नबी की सूरत और सीरत, दोनों चीज़ें इतनी जामे, इतनी कामिल, इतनी आला दर्जे की हैं कि आप पढ़ते जाएंगे और आपका दिल फिदा होता जाएगा, क़ुरबान होता जाएगा। ज़फ़र क़ताबा क़दम हर कुजा के मी नगीरम, करिश्मा दामन दिल मी कशद की जा ई जा अस्त। एक फारसी का शायर कहता है, आपकी सीरत पढ़ता हूँ, सर से लेके पैर तक जहाँ देखता हूँ मेरा दिल खींचा जाता है कि क़ुरबान होने की ये जगह है, क़ुरबान होने की ये जगह है, क़ुरबान होने की ये जगह है। हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे उस वक्त हज़रत हसान की उम्र 7 या 8 बरस की थी, यानी आपसे पहले पैदा हुए थे, 7 साल पहले पैदा हुए थे। और 7-8 साल का बच्चा चलता फिरता खेलता कूदता गलियों बाजारों में अपने साथियों को देखता है और वो समझ सकता है, शऊर रख सकता है। मुहद्दिसीन फरमा रहे हैं कि 5 साल की उम्र का बच्चा भी तहम्मुल हदीस के लायक हो सकता है, तो 7-8 साल का तो अच्छा खासा बड़ा हो गया है। हज़रत हसान बिन साबित 8 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त में थे और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में ज़िंदगी गुजारी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने देखी, बचपन की ज़िंदगी देखी, उनसे बड़े होने की हैसियत से, उम्र के एतबार से उनका बचपन देखा, उनकी जवानी देखी, क्योंकि वो भी मक्के में रहते थे और अल्लाह के नबी भी मक्के में पल बढ़ रहे थे, उनकी जवानी देखी, उनकी ज़िंदगी देखी, उनका खेल देखा, उनका बचपन देखा, और फिर वो बड़े हुए उसको देखा, उन्होंने शादी की उसको देखा, बिजनेस कारोबार किया उसको देखा,
पूरे मक्के मुकर्रमा के लोगों के दिलों की धड़कन बन गए इस महबूबियत को देखा। पूरे मक्के मुकर्रमा के लोगों का एतमाद और भरोसा बन गए इस एतमाद और भरोसे को देखा। हर सर उनकी निस्बत से फख्र करता था इस फख्र को देखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़दवाजी ज़िंदगी देखी, बच्चे पैदा हो गए उनके बच्चों की परवरिश करने को देखा, इंसानियत की खिदमत करने को देखा, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों मोहताजों अपनों और परायों के साथ हुस्न सुलूक को देखा। हज़रत हसन तो सब देख रहे थे, साथ ही में बड़े हुए और उनसे बड़े थे 8 बरस, सब जिंदगी देखी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया, वो भी देखा। नबूवत के दावे के बाद अपने पराए बन गए, उसको भी देखा। वतन से बेवतन किया गया, उसको भी देखा। ताइफ के वाकये से वाकिफ़ थे और मक्का के मुशरिकीन के सुलूक से वाकिफ़ थे, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी इससे भी वाकिफ़ थे। हज़रत हसन भी मुसलमान हुए और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, आपके दावे को सच्चा समझा। आपको इस पूरी ज़िंदगी में उन्होंने एक दाग ज़िंदगी पे नहीं देखा था, जिसकी किताब ज़िंदगी खुली हुई थी और जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आँखों के सामने मौजूद था, वो क्यों नहीं ईमान लाते? वो भी ईमान लाए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत हसन ज़िंदा थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा करने के कई बरस के बाद इंतकाल हुआ है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो पैदाइश से पहले पैदा हुए और वफात के बाद दुनिया से गए और उन्होंने ज़िंदगी का लम्हा लम्हा देखा, विलादत भी देखी वफात भी देखी। और उस आदमी की शहादत से बढ़कर हमारे लिए क्या शहादत हो सकती है? व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक्त मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐब कअन्नक कद खुलिक्त कमा तशाउ। यह हज़रत हसन की शहादत। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हसन उठो और मेंबर पे बैठ जाओ और मेरी तरफ से इस्लाम की हिजो करने वाले शायरों का जवाब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिठाया और आहदरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा कैसे निकाल लोगे मुझे इन इल्ज़ामात में से, खामखा के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तोहमतें लगाई जा रही है, इसमें से कैसे निकाल लोगे? उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसमें से ऐसे निकाल लूँगा जैसे मस्के में से बाल निकाल लिया जाए, क्योंकि अकीदत मोहब्बत अजमत तो अपनी जगह पर, अपनी आँखों का मुशाहदा कि पैदाइश के दिन से लेके अब तक देखा था और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर उंगली उठाई जा सके, इसलिए उन्होंने कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए हसन की मदद की और हसन ने अपने नबी की ऐसी तारीफ फरमाई कि हज़रत अलैहिस्सलाम का दिल बाग बाग हो गया और आप खुश हो। ये वो अशआर हैं। अहले सियर कहते हैं कि हुजूर की शान में बहुत किताबें लिखी गई, अपनों ने भी लिखी परायों ने भी लिखी, तारीफ़ और तौसीफ़ का हक अदा कर दिया लोगों ने और बहुत शायरों ने कलाम किया है, हर ज़ुबान के शायरों ने, हत्ता के ईमान वालों के छोड़िए बेईमानों ने भी आपकी तारीफ अपनी अपनी शायरी का मौजू बनाया, उसके बग़ैर अपनी शायरी को नाकिस और नामुकम्मल समझा कि आपकी तारीफ़ किए बग़ैर हमारी शायरी में क्या कमाल रह जाएगा। इसलिए नातें कहीं, मुसलमानों ने कहीं, गैर मुसलिमों ने कहीं, सब ने नातें कहीं, लेकिन अहले सियर कहते हैं हसन के 4 मिसरों से बढ़कर आज तक किसी ने कहा ना कोई कहेगा। व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, आपसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत आंखों ने कभी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ,
और आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया की किसी औरत ने किसी बच्चे को नहीं जना। खुलिक्त मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन, आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। कान्नक कद खुलिक्त कमा तशाऊ, जैसे आप खुद अपनी मर्जी ही से पैदा हो गए, अपनी मर्जी से पैदा हो गए। ये तस्दीक, ये तौसीक, ये शहादत वो बंदा दे रहा है जो आपकी विलादत के वक्त 8 साल का था और आपकी वफात तक आपके साथ, आपके पल पल को जानता है, जिंदगी पर कदम कदम देखा है आपको, हर उम्र को देखा है, हर मंजिल को देखा है, आपके दिनों को देखा है, आपकी रातों को देखा है, आपके तजर्रुद की जिंदगी को देखा है, यानी जब आप बैचलर थे, और आपकी तजव्वुज की जिंदगी को देखा है जब आप शादीशुदा थे, आप बाल बच्चों वाले थे, आप समाज का एक फर्द बन गए थे, आप लोगों के दरमियान में चलते फिरते उठते बैठते थे, आप बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, आप बकरियां चराते थे, आप लोगों के साथ लेन देन करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर एतबार से, हर एतबार से देखी। मेरे अजीजो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जानने वाले को एक शम्मा बराबर आपके बारे में कोई शक नहीं हो सकता, और नई जानने वाला बहुत कुछ कह सकता है, जो चाहे कह सकता है। ये जानने न जानने का फर्क है, ये अच्छे बुरे का फर्क नहीं है, ये किसी ऐब खूबी का फर्क नहीं है। सरासर खूबी को भी अगर ना जानो तो किसी भी शक में मुब्तला हो सकते हो, और अगर जानो तो फिर कोई शक पैदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों में कोई ऐसी बात रहने ही नहीं दी, ऐसी कोई बात छोड़ी ही नहीं कि कोई उंगली उठाए और ईमान लाने से इसकी वजह से इनकार करे कि भाई ये ऐब है मैं इस वजह से नहीं मानता, ये कमी है मैं इस वजह से नहीं मानता। किसी मेरे बंदे को ईमान लाने के सिलसिले में मेरे नबी की कमी उज्र ना बन सके, अल्लाह ने ऐसा बनाता है, बनाया है नबियों को, ये अल्लाह का निज़ाम है नबियों के साथ। सही बुखारी में हदीस है कि हज़रत मूसा आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं और नबवी शान और सिफात के हामिल हैं। उनकी कौम के जो लोग थे बनी इसराइल, 12 कबीले हज़रत याकूब की औलाद, ये 12 कबीले जो थे वो उनकी कौम थी जिसको वो मुखातब करते थे, जिनकी हिदायत के लिए मबऊस हुए थे। ये लोगों का कल्चर ये था कि ये पानी नहाते वक्त में कपड़े उतार देते थे और एक दूसरे के सामने होने से हया नहीं करते थे। ये उनका अपना कल्चर पहले से चला आ रहा था। कहीं जैसे नदी पे गए, तालाब पे गए, वहाँ जाकर के गुस्ल करते थे तो सब मिलके करते रहते थे गुस्ल। जैसे कम से कम इस ज़माने में स्विमिंग पूल्स पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, ख़ास तौर से जहाँ तहजीब का कोई पासो लिहाज नहीं है, बस वो जंगिए पहने हुए सब के सब नंगे नज़र आएंगे वहाँ पर। अब बनी इसराइल उतना भी नहीं करती थी समझी कि कम से कम शर्मगाह छुपा ले, इतना भी नहीं करते थे, बिल्कुल बरहना नहाते थे, और उनके वो यानी उनके नज़दीक कोई बुरी बात नहीं थी। एक कल्चर था, चला रहा था, सब ऐसे ही करते थे, कोई भी उसको ऐब नहीं समझता था। लेकिन अगर पूरी कौम मिलकर भी किसी बुरी बात को बुरी ना समझे तो नबी उसको कैसे अच्छा समझ सकता है? नबी तो बुरे को बुरा ही कहेगा, अच्छे को अच्छा ही कहेगा। इसलिए फितरत नबवी ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी बरहना होकर गुस्ल नहीं फरमाते, अकेले में जाते थे, कभी अंधेरे में जाते थे, किसी तरीके से बहरहाल बरहना नहाना उनका तरीका नहीं था। किसी को कहीं नहाते हुए दिखे ही नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और कभी नहाते हुए नजर आए तो चादर बांध के नजर आए, या फिर पानी में उतर जाते थे तो पानी खुद एक पर्दा हो जाता है जिसके अंदर आदमी छुप जाता। तो लोगों ने तोहमतें लगाई,
और देखो तोहमतें लगाने का सिलसिला कहाँ से है। कोई नबी ऐसा नहीं होगा जिस पर लोगों ने तोहमतें नहीं लगाई, लगाएं अल्लाह का निज़ाम है। अब इसने लोगों ने तोहमत लगाई कि वो सुबह के सामने क्यों नहीं नहाते, तो कोई ये नहीं बोल रहा है कि हया की वजह से नहीं नहाते, बल्कि ये बोल रहे हैं कि शायद उनके जिस्म पर बर्स के धब्बे होंगे और वो चूंकि एक ऐबदार मर्ज है, लोग उससे शर्माते हैं, तो इस वजह से वो छुप के नहाते हैं, या फिर आदर होंगे, यानी इंसान के जो फोते होते हैं वो कभी बड़े हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो वो भी एक ऐब है जिससे आदमी शर्माता है और लोगों के सामने जाहिर होने नहीं देता। तो उन पर यह तोहमत लगा दी कि शायद इनको कोई जिस्मानी ऐब है, इस ऐब की वजह से ये एक लुंगी बांध के ही नहाते हैं, कभी बरहना नहीं होते, कभी खोलते नहीं कपड़े, ये इन लोगों ने तोहमत लगाई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तोहमतों के लोगों में मशहूर होने के बाद अपने नबी से तोहमत को हटाने का गैबी इंतज़ाम फरमाया, क्योंकि नबी तोहमत के काबिल नहीं होता। कोई लगाता है तो वो झूठी होती है 100% मुखासमत, अदावत, इनाद, बुग्ज़ और दुश्मनी की बुनियाद पर होगी, हकीकत की बुनियाद पर नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने यह इंतज़ाम फरमाया कि एक दिन कौम से हट के बहुत दूर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहाने का इरादा फरमाए, और वहाँ एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर अपनी चादरें रख दी और पानी में चले गए। पानी में जाकर उन्होंने गुस्ल कर लिया, गुस्ल के साथ ही ऊपर आते हैं और अपना कपड़ा लेके पहले चादर बांध लेते हैं, तो अपना चादर बांध लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो पत्थर दौड़ता हुआ वो कपड़े लेके चला गया। ये सही बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताई। दौड़ता हुआ चला गया पत्थर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सौबी या हजर, ओ पत्थर मेरा कपड़ा दे के जा, मेरा कपड़ा दे, ये कहते हुए उसके पीछे भागे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि वो पत्थर भागता उनको वहाँ ले गया जहाँ कौम के लोग बैठे हुए थे, सब आपस में बातें करते हुए। देखा एक पत्थर दौड़ के आ रहा है, उसके पीछे पैगंबर दौड़ के आ रहे, तो लोगों की नज़र पड़ी। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोई कपड़ा नहीं था, वो कपड़ा लेने के लिए जा रहे थे, तो सब लोगों ने कहा मूसा तो बहुत हसीन है, कौन कहता है कि यह ऐबदार है। जब ये ऐलान हो गया वो पत्थर रुका और हजरत मूसा ने जल्दी से कपड़े लेके बांध भी लिए और अपनी लाठी लेकर के उस पत्थर को 6 या 7 मर्तबा मारा नाराज़गी से और गुस्से से। रावी कहते हैं कि उस पत्थर पर वो निशानात भी मौजूद रहे जो उन्होंने मारे थे उसके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ने उस पत्थर को एक सूझबूझ और हयात दी थी कि मेरी तरफ से ये काम करो। अल्लाह की तरफ से उसने वो काम किया था, उसी वक्त उन्होंने उसकी पिटाई भी की थी कि ऐसी हरकत क्यों की। सिर्फ इस वाक़े में जो बिल्कुल सही है और सही बुखारी में आया है, हज़रत अली सलाम ने सहाबा को सुनाया है, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह नबी पर तोहमत को गवारा नहीं फरमाता, क्योंकि तोहमत रुकावट बनती है उसके दावत के पहुँचने पर। कोई भी ऐब आदमी के अंदर हो तो उसके दावत के मुअस्सिर होने में रुकावट बनती है। इसीलिए उलमा ने उलमा को, मशायख को और दीन की दावत देने वालों को हर ऐसे काम से रुकने का हुक्म दिया जो जायज़ भी हो मगर लोगों की बदगुमानी का सबब बनता हो, तो अपने को बचाएं वरना फिर दावत गैर मुअस्सिर हो जाए, उसका असर ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने नबियों को पाक रखा है, पाक बाज हैं, इस पर हम सब का ईमान है। हर नबी का ये हाल है कि वो ज़ाहिरन बाकमाल और सीरत के एतबार से, यानी खुलुक करीम के एतबार से, फितरी आदतों के एतबार से और हर एतबार से
अल्लाह ताला उनको ऐसा बनाता है कि उनको कोई भी उंगली उठाकर ऐब नहीं बता सकता कि आपके अंदर ये कमी है, कोई नहीं बता सकता। जिस जिसने भी नबियों पर या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाई है उसने झूठी लगाई है, ऐसी झूठी कि अकराने ज़माना यानी उसी दौर के लोगों ने झुठला दिया, उसी कौम के लोगों ने झुठला दिया, उसी के कबीले ख़ानदान वालों ने झुठला दिया और कहा कि भाई तू ये बात बोल रहा है तेरी इज्जत जाएगी, उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों बोल रहा है तू ऐसी बात, उसी के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। इसलिए कि झूठ झूठ होता है, किसी शरीफ आदमी को हजम नहीं होता, कोई शरीफ आदमी झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। हजरत अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे लेकिन हिरकल के दरबार में जब उसने 11 सवाल किए थे नबी के बारे में, और हालांकि वो नबी के दुश्मन थे, हर जंग में मक्का के मुशरिकों के रईस बनकर आते थे, लेकिन एक सवाल के जवाब में भी झूठ नहीं बोला। बाद में ये कहते थे कि कई जगहों पर दिल में आया कि इसको ज़रा मैं गलत बोल दूँ, लेकिन ख्याल हुआ कि मैं एक सरदार हूँ, अगर मेरे झूठ मशहूर हो जाएगा तो इज्जत ही चली जाएगी। तो मुशरिकों के सरदार भी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ से डरते थे, बचते थे, लेकिन जो दुश्मनी उनको आपके दावत इस्लाम की वजह से पैदा हुई थी, अलल ऐलान दुश्मन थे और दुश्मनी में जो चाहे बोलते थे लेकिन शख्सियत को तोहमत नहीं लगाते थे। आप तारीख पढ़िए, सीरत पढ़िए, शख्सियत को तोहमत नहीं लगाते थे, उनके आबाओ अजदाद से जो वो जुड़े हुए जज्बाती तौर पर जुड़े हुए थे आबाओ अजदाद के मजहब से, उस मजहब के बजाय तौहीद की तरफ बुलाने की वजह से दुश्मन बन गए थे, सताते थे, तकलीफ देते थे, हर तरह अजियत पहुंचाते थे, लेकिन आप पर तोहमत नहीं लगा सकते थे, इसलिए कि लगाते तो वही झुटला दिए जाते थे, उन्हीं को जमाना झुटला देता कि ये तो झूठ बोल रहे हो भाई तुम, ये तो गलत बात है। तो तोहमतें नहीं लगाई उन्होंने, लड़ाई की, मुकाबला किया, तकलीफ पहुँचाई, अजियत दी, परेशान किया, उन पर ईमान लाने वालों को तरह तरह के जुल्म किए, ऐसी सजाएं जो सोची नहीं जा सकती, ऐसे अजाबों में मुब्तला किया, लेकिन अल्लाह के नबी पर तोहमत नहीं लगा सकते। काश के मुसलमान इस मुल्क के अंदर अपने इख्तदार के दौर में इतना ही कर लिए होते कि मुल्क के हर बाशिंदे को नबी की सीरत पहुंचा दिए होते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवे हसना बता दिए होते, तो आज हमें वो दिन देखने को नहीं मिलता जो आज हम देख रहे हैं। हमने नई बात पहुंचाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्यों नहीं पहुंचाई? हम जिंदगी पूरी की पूरी गुजार लेते हैं, 70-70 बरस, 80-80 बरस के बाद भी खुद हमें नहीं मालूम होता कि हमारे नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी क्या है, हमें नहीं मालूम होता है। जब हम ही नहीं जानते तो दूसरे को क्या पहुंचाएंगे और दूसरे तक क्या ले जाके देंगे, और ऊपर से मजीद ये कि हमारी पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक अकीदों से लेके मामलात व इबादात व मुआशरत तक हमारे नबी की ज़िंदगी के बिल्कुल उल्टी और बरखिलाफ गुजर रही, तो ना अमल से बता सके कि हम कौन हैं, किस नबी की उम्मत हैं, ना अपने ज़बान और तहरीर से पैगाम पहुंचा सके कि भाई हम जैसे भी होंगे होंगे, हमें मत देखो, लेकिन ये है नबी की सही तस्वीर, और ये है नबी अल्लाह के जो सब के लिए रहमत हैं, यहाँ तक के आप जो उनको अपना दुश्मन समझ रहे हो वो आपके लिए भी रहमत है, सब के लिए रहमत है, रहमतुल्लिल आलमीन, तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूकात के लिए जिसे अल्लाह ने रहमत बनाया। हम नहीं बता सके कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है क्या है, यहाँ तक के जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर जहालत से, इनाद से, ज़िद और हठधर्मी से या शरारत की बुनियाद पर
या अपनी बनाई हुई पॉलिसियों की बुनियाद पर कीचड़ उछालते हैं, उस वक़्त उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए ये भी हम अपने नबी की सीरत से नहीं बता सकते। इसके लिए भी नबी की सीरत मौजूद थी मगर हमें मालूम नहीं थी, इस वजह से हम यहाँ भी नहीं बता सके कि ऐसे मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा क्या है, आपका तरीक़ा और उसवा हसना क्या है, हम नहीं बता सकते। मैंने आयत हदीस पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके दिल में उसके माँ बाप और औलाद पूरी इंसानियत के रिश्तों से बढ़कर महबूब न हो जाऊँ। जहाँ यह बात फरमाई वहीं ये बात भी फरमाई ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मेरा लाया हुआ दीन और मेरी लाई हुई शरीयत उसकी अपनी ख्वाहिशात से बढ़ कर ना हो जाए, अपनी ख्वाहिश को मेरे दीन के ताबे करे तभी मोमिन कामिल होगा, और अगर ख्वाहिश को मेरे दीन पे गालिब करेगा तब मोमिन कामिल नहीं हो सकता। हज़रत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी ख्वाहिश आगे होगी शरीयत पीछे होगी तो अल्लाह के नबी हमें ईमान का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और इस मौके पर भी ख्वाहिश पीछे होगी शरीयत आगे होगी तो नबी कहेंगे मेरा प्यारा उम्मती है और ये मेरा चहीता उम्मती है। आपको दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आपको नबी से लेना है और आपको अल्लाह के सामने वो पेश करना है। दुनिया का दुनिया हमें क्या क्या कहेगी क्या होगा, नबी जब तक हमें मोमिन कामिल ना माने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर अपने दुश्मनों के साथ जो कुछ किया, अगर हमारे सामने सीरत तैयबा होती तो हम उसकी रोशनी में इकदाम करते, लेकिन हम तो जाहिलाना इकदाम करते हैं। और मज़ीद ये कि उलमा को भी कोसते हैं कि वो लोग क्यों नहीं हमारी तरह, वो भी हमारे साथ शरीक क्यों नहीं होते, वो भी हमारी तरह गैर शरई इकदाम क्यों नहीं करते। अरे भाई, जज्बात आपके पास हैं, जज्बात उलमा के पास भी हैं, लेकिन उलमा के सामने नबी का दीन भी है, उससे हट के कैसे रहनुमाई कर सकते हैं, उससे हट के दूसरा तरीक़ा कैसे बता सकते हैं। वही तरीक़ा होगा जो नबी ने बताया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ताखों के साथ मामला किया कि नहीं किया, आपके दौर में गुस्ताखियाँ हुई नहीं हुई, मक्के में मुशायरों में आपकी तनकीस व तौहीन और हिजो की गई नहीं की गई। वो औरत जो शायरा थी मक्के में और जिसका एक एक शेर तीर बनकर सहाबा के कुलूब में चुभता था जा करके, एक एक शेर नबी के खिलाफ, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नहीं हुआ रहा था। और हज़रत अलैहिस्सलाम तब क्या कर रहे थे, सहाबा तब क्या कर रहे थे, हमें ये जानना है कि नहीं जानना है। हुजूर फरमाने जब तक तुम्हारे जज्बात मेरी ख्वाह मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, मेरे लाए हुए दीन के मातहत ना हो जाए, हमें जानना है कि नहीं जानना है। जब हमारे दिल जलाए जा रहे हैं और जब मक्के में कमज़ोर मुसलमानों के दिल जलाए जा रहे थे, वो हुजूर के इश्क में हमसे हज़ार गुना ज़्यादा आगे थे, करोड़ गुना ज़्यादा आगे थे। उन्होंने क्या किया था और नबी ने उनको क्या करने की इजाज़त दी थी और क्या नहीं दी थी, आखिर उनके जज्बात ने अपने आप को कैसे काबू में किया हुजूर के हुक्म के सामने। हुक्म आगे था, जज्बा आगे नहीं था। जज्बात अगर हमारी जान भी निकाल लें तो हम जज्बात का दम गला घोंट देंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने नबी का हुक्म नहीं तोड़ेंगे। इसको इस्लाम कहते हैं, इसको दीन कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे वाकयात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का इंतज़ार किया, जब तक अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया इसका जवाब भी नहीं दिया गया, बर्दाश्त करते रहे और जवाब तक नहीं दिया। और जब मक्का फतह हुआ
हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक ब्लैक लिस्ट जारी फरमाई, हदीस की किताबों में मौजूद है। आपने कुछ नाम दे दिए थे मक्के वालों के और ये कहा था आज इधबू अंतुमुत्तलका, हमने सबको बख्श दिया है, सबको माफ़ कर दिया है हमने, लेकिन ये 15 लोग हैं जिनको हमने नहीं माफ़ किया, क्योंकि मेरी माफ़ी अल्लाह की माफ़ी पर मबनी है, अल्लाह ने मेरे गुस्ताखों को माफ़ नहीं किया है। ये लिस्ट जारी की हुजूर ने, ये जितने लोग हैं इन लोगों को हमने माफ़ नहीं किया। इसमें से ख़ास तौर से वो औरत जो अपने अशार में आपकी तनकीस तोहीन तजलील करती थी उसका भी नाम था, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर काबे के पर्दे के पीछे भी छुप जाए तो उसको माफ़ी नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया था। इसके बावजूद तारीख पढ़कर देख लीजिए, सीरत तैयबा का मुताला कीजिए, उनमें से भी 8 लोग आपके सामने आ गए थे, आपने माफ़ कर दिया। जो सामने नहीं आ सके उनको सज़ा दी गई, क्योंकि सज़ा आपके हुक्म से दी गई। वहाँ आप हकीम थे, अमीरुल मोमिनीन थे, उस वक्त आप हुक्मरान थे मक्के मदीने के, और अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह के कानून के मुताबिक सज़ा का ऐलान किया, लेकिन जो सामने आ गए थे उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया, दरगुजर कर दिया, माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बेटी के कातिल हब्बार बिन अल अस्वद को भी हुजूर ने दरगुजर कर दिया और माफ़ कर दिया। हमारे सामने अपने नबी का कुछ उसवा है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुस्ताख़े रसूल की सज़ा मामूली है, बहुत बड़ी सज़ा है, जीने का हक उसको हासिल नहीं है, लेकिन ये सज़ा देना अमीरुल मोमिनीन का काम है, और जहाँ अमीरुल मोमिनीन नहीं है वहाँ के हुक्मरानों को कोई सज़ा मुकर्रर करना चाहिए, लेकिन ये कुरान वाली सज़ा के वो पाबंद नहीं, यहाँ नाफिज नहीं हो सकती, यहाँ पर शरीयत इस्लामी नाफिज नहीं है, यहाँ अल्लाह के कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ जमहूरियत है और आपने उस जमहूरियत का हलफ लिया है। इसलिए आपके मुतालबा ये होना चाहिए कि हुक्मरान, यहाँ की हुकूमत यहाँ के दस्तूर के मुताबिक हर कौम को उसकी इज्जत का हक अदा करे, और हर कौम के अपने मजहब और मजहबी बुजुर्गों की इज्जत का हक अदा करे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और ये हमारा इस मुल्क में भी हक है। ये हक कैसे अदा होगा? ये हक हम मांगेंगे हुक्मरानों से, और हुक्मरान हमें यह हक देने के पाबंद हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि हम हुक्मरान को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते हैं तो सब्र करेंगे, बदल सकते हैं तो बदल देंगे। पर हमारा दस्तूर इस मुल्क का किसी भी मजहब के पेशवा को बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता है, और वो काबिल ताज़ीर जुर्म है। इस जुर्म पर अमल करने की मांग हम करते हैं। ये जो एजिटेशन होता है, ये एजिटेशन, ये मांग होती है कि जो है हमें हमारा हक दिया जाए, हमारा हक तोड़ा गया है, हमारा हक छीना गया है, लिहाजा हमको हमारा हक दीजिए। ये हक हम खुद छीन नहीं सकते दूसरे से, इस वास्ते कि वो खुद हमारा जुर्म बन जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मैं मुख्तसर मुख्तसर आपको बता दूँ सही अहादीस की रोशनी में। हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक गुस्ताख को तो मदीने मुनव्वरा में वाकई कत्ल करा दिया, उसका नाम काब बिन अशरफ है। आपने फरमाया कौन है इस अजियत देने वाले का? किस्सा तमाम करे, एक सहाबी गए इजाज़त लेकर और उन्होंने उसका किस्सा तमाम कर दिया। ये हुक्म आपने एज़ अमीरुल मोमिनीन दिया था, हुक्मरान वक्त होने की हैसियत से दिया था, आप ही कानून के नाफिस करने वाले थे और आपको कानून नाफिस करने का पूरा पूरा हक था, सहाबा को नहीं था, रियाया को नहीं था, यह हक नबी को था। नबी ने अपने अमीर होने की हैसियत से बिला शिरकत गैरे पूरे मदीने मुनव्वरा के हाकिम थे और सब कबीलों ने आपको हाकिम माना हुआ था। आपने ये हुक्म जारी फरमाया था। फिर उसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई एक मुनाफिक ने, कितनी बड़ी बेइज्जती थी, सारे मदीने के घर घर यह बात पहुंची थी, एक एक औरत जान गई थी, एक एक बच्चा जान गया था
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے نعوذ باللہ ایک غیر آدمی کے ساتھ سفر کیا اور ایک غیر آدمی سے تعلقات قائم کی، صدیقہ عائشہ، جس کو حضور فرماتے تھے صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس کو تہمت لگائی، نبی کی محبوب ترین زوجہ. مقصد کیا تھا؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹ ہی بول رہا تھا. منافق کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ کتنی پاک باز ہیں اور اس کے باپ کتنے پاک باز ہیں اور ان کے شوہر کتنے پاک باز ہیں، وہ خاندان کتنا عزت و مآب ہے، سب پتا تھا، لیکن صرف جی جلانا اس کا مقصد تھا. صرف نبی کو نعوذ باللہ سماج میں اور معاشرے میں رسوا کرنا اس کا مقصد تھا. اس مقصد کے ساتھ آ حضرت علیہ السلام کو کتنے دن صبر کرنا پڑا، کتنے دن صبر کرنا پڑا. اور حضور علیہ السلام اس جھوٹی خبر، اس افواہ کو جو ایک منافق نے چلائی اور بعض مسلمانوں کی زبان پہ بھی آ گئی، جیسے اس وقت میں میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ اس بدبخت نے کیا کہا ہے. لوگوں نے بھیجا، کیسے پڑھوں اپنے نبی کے بارے میں، میں نے نہیں پڑھا اس کو. ہماری میٹنگ ہوئی علماء کی، اس میں بات آئی کہ بھئی سب لوگ جانتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ گستاخی کی گئی، بس اتنا جانتا ہوں. کیوں جانوں، کیوں سنوں، کس کلیجے سے پڑھیں سنیں؟ لیکن مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ وہ شخص، اس کی کمیونٹی نہیں پھیلا سکتی تھی جتنا آپ لوگوں نے پھیلایا. یہ تھی نبی کی محبت، یہ نبی کی محبت کا تقاضا تھا کہ مسلمان ان چیزوں کو پھیلاتے. ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے نبی کی سیرت سے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے صحابہ کرام سے؟ ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پہنچے، نبی کے میزبان تھے. اب نبی نے اپنے گھر بنا لیے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری ایک غلام تھے، ایک خادم تھے نبی کے. گھر پہنچے تو بیوی نے پوچھا، آپ نے کچھ سنا ان دنوں میں جب حضرت عائشہ پہ تہمت گشت کر رہی تھی پورے شہر میں؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اگر تمہارے بارے میں کوئی کہتا تو تم کیا کرتی؟ کہا واللہ میں تو سراسر تہمت برداشت ہی نہیں کر سکتی، سن ہی نہیں سکتی. جو ایک عورت جواب دے سکتی تھی ان کی بیوی نے جواب دیا. پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا واللہ عائشہ تیرے سے ہزار گنا زیادہ متقی ہے، اللہ والی ہے. اب زبان پر یہ لفظ آیا، پھر کبھی نہیں سنوں گا. یہ تھے صحابہ کرام، بولنے بھی نہیں دیا اپنی اہلیہ کو، میں نہیں سننا چاہتا اس سلسلے میں. آج مسلمان خود پھیلا رہے ہیں. کیوں پھیلا رہے ہیں بھائی مسلمان؟ آپ کو محبت نہیں نبی سے؟ ایک آدمی نے تیر پھینکا آپ کو مارنے کے لیے، رستے میں گر گیا تو آپ کے دوست نے لا کے آپ کے سینے میں مارا کہ وہ صاحب پھینک رہے تھے، آپ تک نہیں پہنچا تو میں لا کے مار رہا ہوں. آپ اس کو دوست سمجھیں گے کہ دشمن؟ اپنے نبی کو خود رسوا کرنے والی امت، اپنے نبی کے بارے میں کہی گئی جھوٹی باتوں کو پھیلانے والی امت، آپ کیوں آگے بڑھاتے ہیں؟ یہ فارورڈ کرنے کا جنون، ایسا جنون مسلمانوں پہ آیا ہے کہ وہ اپنے نبی کو رسوا کرنے میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اس میں بھی حصہ لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ برداشت کیا. اور ایک مسلمان جس سے یہ غلطی ہوئی تھی سب سے پہلے، ان کو حضرت ابو بکر نے، جو ان کا بھانجا تھا، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کفالت میں تھا، حضرت ابو بکر نے کہا اب میری بیٹی کا قصور آسمان کی وحی نے ختم کر دیا، میری بیٹی پاک باز تھی، اللہ نے پاک بازی کا اعلان کر دیا. وہ میرا بھانجا جس کو میں شروع سے خود پالتا رہا ہوں اور اس کی ماں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اب میں اس پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا. کیا دل کے دکھ کا عالم ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بڑے مرتبے والوں کے لیے، بڑی گنجائش والوں کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی سے ناراض ہو کر خیر خیرات کر دینا بند کر دیں اور اس کے وہ خرچ کرنا، کفالت کرنا بند کر دیں،
ये बड़े मर्तबे वालों के लिए नहीं है, मुनासिब है। लाया तली उलुल फजली मिनकुम, तुम में जो बड़ी फजीलत वाले हैं तुम लोगों को मुनासिब नहीं है। सिद्दीक़ अकबर वल्याफू वल्यस्फहू, अपने भांजे को माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर दे। सिद्दीक़ अकबर ने उसी वक्त ऐलान किया कि मैं अपना सिलसिला खैर खैरात का ख़ानदान पर जारी रखूँगा और देता रहूँगा। ये हैं शरीयत के सामने ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाले, अल्लाह की चाहतों के सामने अपनी चाहतों को कुर्बान करने वाले ये लोग हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उबई इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल, बड़ा बदबख्त मुनाफिक था, ये तोहमत भी उसी ने चलाई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब वही से सब किस्सा सामने आ गया, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये गुस्ताख तो अब वाजिबुल कत्ल हो गया, क्योंकि किसी भी मुकदमे में शहादत के ज़रिए बात साबित हो सकती हो, ये मुकदमे में तो आसमान की वही ने बात साबित कर दी, सज़ा मिलनी चाहिए कत्ल की। बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो अपनी कौम का मुअज़्ज़ज़ आदमी है, अगर उसको कत्ल करा देंगे तो फितना फैलेगा, सज़ा तो यही है लेकिन फितना फैलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं दी उसको सज़ा, नहीं दी, क्यों? फितना फैलने का अंदेशा था। तो फितना वल फितनतु अशद्द मिनल कत्ल, कुरान की नज़र में कत्ल गारत से ज़्यादा फितना बुरी चीज़ है, बदमनी बुरी चीज़ है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गुस्ताख को फितना फैलने के खतरे से सज़ाए मौत नहीं दी, हालांकि मौत की सज़ा थी, तो नबी ने भी नहीं दी, सिर्फ इस वजह से। हदीस मौजूद है तिर्मिज़ी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इससे फितना होगा, इसलिए फितने को दबाओ और ये निमटेंगे, अल्लाह ताला खुद देख कोई हमारी इज्जत को क्या नुकसान पहुँचाएगा, मगर फितना मत पैदा होने दो, इससे बहुत बड़ी जंग दोनों के दरमियान हो सकती है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इसको रखा। मुतअद्दद वाक़ियात आपके ज़माने में ऐसे हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने को अहमियत दी और अपने गुस्ताख की जो शरई सज़ा थी वो सज़ा मौकूफ़ की और रोक दी, जबकि वहाँ दी जा सकती थी, जबकि मुसलमान ही गालिब थे, जबकि कोई रोकने वाला नहीं था, जबकि कई कई हज़ार किलोमीटर तक कोई अब मुसलमानों को आंख उठा के नहीं देख सकता था, तब भी हुजूर ने फितने को पसंद नहीं किया और अपने कातिल अपने गुस्ताख की सज़ा को रोका हुजूर अलैहिस्सलाम। इससे उलमा और शुर्राहे हदीस ने फरमाया कि ये सब अहकाम अपनी तफसीलात के मातहत हैं। एक बात इतनी सी सुनी कि सब गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा, बस जो चला दिया खूब चला रहे हैं। अरे भाई आपके इस जुमले से क्या फितना होने वाला है, आप इसको नहीं गौर कर रहे, नबी ने गौर किया है, क्या आप ज़्यादा बहादुर हैं या नबी आपसे ज़्यादा बहादुर थे, सहाबा आपसे ज़्यादा दीनदार थे या आप ज़्यादा दीनदार हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए मुसीबत का सबब और मुसलमानों के गले का तोक बन रही है। जहालत जहालत जहालत, इस्लाम से कोई वाकिफियत नहीं, जज्बात के अंदर बह रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, इस मुल्क के अंदर उलमा ये फरमाते हैं कि शरई सज़ाएँ जब नाफिज नहीं हैं तो शरई सज़ाओं का मुतालबा भी करना अबस है, बेकार है। आप किसी मुस्लिम कंट्री में करो, और अब तो हालत मुस्लिम कंट्रीज़ की क्या है आप खुद जानते हैं, जब वो लोग खुद नहीं हिम्मत कर रहे हैं, यहाँ हम क्या चीख पुकार कर रहे हैं इस सिलसिले में। हाँ, एजिटेशन आपका हक है, प्रोटेस्ट आपका हक है, करना है, सलीके से करना है, इस्लामी तहजीब के मुताबिक करना है, किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं देना है, किसी की मिल्कियत को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अवामी अमलाक को हम बर्बाद नहीं करना है, यह सब करना किसी कौम का तरीका होगा तो होगा, आपके दीन ने नहीं सिखाया है। अगर आप करेंगे तो आप अल्लाह के भी मुजरिम होंगे, कानून के भी मुजरिम, आपको अल्लाह के दीन ने नहीं सिखाया है, आपको आपके नबी ने नहीं सिखाया है। आप क्या अपनी ज़िंदगी से नबी के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो हर गंवार कर रहा है वो आप करके बताना चाह रहे हैं, तो इससे कैसे काम चलेगा।
प्रोटेस्ट करना चाहिए ऐसे मौके पर, और महज़ब तरीक़े से करना चाहिए, और हुकूमत से बदअमनी को पैदा किए बग़ैर, नक़्ज़ अमन किए बग़ैर हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि भाई हमें हमारा हक़ दीजिए, हमारा हक़ छीना गया है, हमें तकलीफ़ पहुँचाई गई है, हमें हमारा हक़ दीजिए। आप कहेंगे कि ऐसे कौन सुनने वाला है, यानी जैसे बात सियासी लोगों की, खुद अखबारात में बयानात आ चुके हैं, आते रहते हैं कि जो है हुक्मरान जो होते हैं वो शराफत की ज़बान नहीं सुनते, वो तो हलाकत की ज़बान सुनते हैं, पूरे मुल्क में दंगा फसाद कर दो तब जाके अरे भाई क्या हो रहा है तब जा कर के वो तवज्जो देते हैं। मगर ये सियासी लोगों का नज़रिया है, उनकी आइडियालॉजी है, इस्लाम का नज़रिया नहीं है। हम मुसलमान हैं तो हम उनकी आइडियालॉजी को कैसे ले सकते हैं, हम तो इस्लामी एतबार से सोचेंगे। आपकी सियासत भी अल्लाह के दीन के ताबे है, आपकी जिद्दोजहद भी अल्लाह के दीन के ताबे है, इन सब चीज़ों को मलहूज रखना चाहिए। और अकली तौर पर भी सोचो तो जो काम जानबूझ के किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ महाज हिकमत अमली से लाया जाना चाहिए, वरना वो जीत जाएंगे और आप हार जाओ। अगर सज़ा भी दे दी जाए किसी एक को तो उस सज़ा देने से क्या मसला हल हो जाएगा? मसला तो इस नफ़रत की सियासत का है जो गुज़िश्ता 8 बरसों से इस मुल्क पर मुसल्लत की गई है, मसला उसका है, मसला एक आदमी की ज़बान बंद करने का नहीं, एक की बंद होगी 10 की खुलेगी, मसला ये नहीं है। मसला है लड़ाई करना है, इस नफ़रत की सियासत का मुकाबला करना है, और इसको ख़त्म करने के लिए जब तक आप अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उस्वे हसना और आपके प्यारे दीन को हम नहीं लेके चलेंगे, और जब तक इसका तआरुफ़ नहीं कराएंगे, अपनाए वतन तक सीरत नबी नहीं पहुँचाएँगे सलीक़े से तरीक़े से, उस वक़्त तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते कि नफ़रत का जो प्रोपेगंडा बिके हुए मीडिया के ज़रिए से पूरे मुल्क में किया जा रहा है, हमारी ज़रा ज़रा सी कोताही को लेकर उसको इशू बनाया जा रहा है। हम ना समझ हैं कि किस चीज़ का नुकसान हम ही पे लौट के आएगा, हम इतना भी नहीं समझ सकते। नुकसान लौट के हमारे ही ऊपर आएगा, हम देख रहे हैं आँखों से, सुन रहे हैं, लेकिन हालात बदले, समझ नहीं बदली, सूझबूझ नहीं बदली मुसलमानों की, सोचने का अंदाज़ और फिक्र नहीं बदला। इसलिए हम वकालत नहीं कर रहे हैं कि गुस्ताखियाँ माफ़ कर दी जाएंगी, हम इसकी वकालत नहीं कर रहे हैं कि गुस्ताख की मजम्मत नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि मुसलमानों हालात को सोचे समझे बग़ैर इकदामात करना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना है। इसलिए सूझबूझ को इख्तियार करो, फ़िक्र वाली ज़िंदगी इख्तियार करो, शरीयत की रहनुमाई को अपने लिए उसवा बनाओ, और शरीयत की रहनुमाई के बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि अरे अगर ऐसा शरीयत पे चलेंगे तो कोई काम नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको शरीयत नहीं चाहिए, आपको लाया हुआ ये नबी का दीन नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं ला युमिनु अहदुकुम, वो मोमिन नहीं हो सकता जो मेरी शरीयत के मुताबिक काम नहीं करता। हर काम उनकी शरीयत के मुताबिक करना होगा, हर चीज़ उनके अहकाम के मुताबिक करनी होगी। ये जज्बात काम देने वाले नहीं हैं। ऐसे बहुत 30 मारखा खड़े हुए, उम्मत को गड़े में डाल के खुद हट गए वहाँ से, नहीं ऐसे लोगों से ये उम्मत बच नहीं सकती, ऐसे लोगों के ज़रिए से मसाइल का हल नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बारे में संजीदा होना है, संजीदगी से काम करना है, और इल्म की रोशनी हासिल करो, अंधेरे की लाठियों से काम नहीं चलता, इल्म की रोशनी हासिल करो और इल्म की रोशनी में कदम कदम आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ये उम्मत ना कभी जलील रही है और ना कभी जलील कोई कर सकेगा। ये उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक़्त में कामयाब किया है जब वो दीन से जुड़ी हुई है। ला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, कुरान कहता है मुसलमानों हिम्मत मत हारो, गमगीन मत हो जाओ, तुम ही गालिब रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन,
अगर तुम मुसलमान कामिल रहोगे। तुम मुसलमान बंदे की भी तो फिक्र करो, अपने दीन की भी तो फिक्र करो। मुसलमान नबी की कहाँ कहाँ तौहीन कर रहे हैं, शराबें पी के क्या नबी को जलील नहीं कर रहे हैं, जिना करके नबी को जलील नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम जवान बेटियाँ गैरों के साथ जाके नबी को जलील नहीं कर रही हैं। अपना भी तो जायज़ा लो, उसका भी मुकाबला करना है, अपने को भी दुरुस्त करना है, ताकि नुसरतें आसमान से ज़मीन पर आएं। नुसरतें कब आएंगी? जब हम अल्लाह की मदद लेने के काबिल बनेंगे, तब आसमानी मदद आएंगी। और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी दुश्मन को, अल्लाह ताला उसको करारे वाकई सजा देंगे, कोई दे न दे, बशर्ते कि हम अल्लाह से लेने के काबिल हों। हमारे हालात, हमारे जरायम, हमारे अंदर आई हुई फहाशियाँ, मुनकरात खुली हुई मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम महलों में जितना जाके देखो, कलेजा फटता है कि ये क्या नबी की उम्मत कहलाए जाने के काबिल है? ये आज हमारा ये हाल हो रहा है, और उसके बावजूद हम अपनी फिक्र करने के लिए तैयार नहीं। कुरान कहता है आप लोग आजमाए जाओगे, लतुब्लवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, आप लोगों को ज़रूर ज़रूर आजमाया जाएगा, आपकी जानों में भी आजमाया जाएगा, आपके मालों में भी आजमाया जाएगा। लतुब्लवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا, और ज़रूर ज़रूर सुनना पड़ेगा तुमको वो बातें जो अहले किताब के ज़रिए से आएंगी और जो मुशरिकीन के ज़रिए से आएंगी। अज़न कसीरा, बड़ी तकलीफ़ दे बातें। वलतस्मउन्ना, लाम ताकीद का है, नून ताकीद का है। कुरान कह रहा ज़रूर ज़रूर सुनोगे तुम लोग वो बातें जो अहले किताब फैलाएंगे और जो मुशरिकीन फैलाएंगे, जो तुम्हारी अज़ियत का और तुम्हारी तकलीफ़ का सबब होगा। कुरान ये ऐलान कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हो नहीं है तो फिर करना क्या चाहिए? इन तस्बिरु व तत्तकु ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम हिम्मत से काम लो, साबित कदम रहो और अल्लाह का खौफ करो, तो कोई उनका मकर तुमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता और वो तुम्हें झुका नहीं सकते और इंशाअल्लाह नहीं झुका सकेंगे, बशर्ते कि हम अल्लाह से लो लगाएं। अल्लाह ताला से ज़रा नमाज़ें पढ़ना शुरू करें, वो मुजाहदा हमसे नहीं हो सकता। इसलिए इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और एहतजाज भी करने की ज़रूरत है ऐसे मौाक़े के ऊपर, और वो हमारा हक है। ये ना समझिए कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं, उलमा उसके ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है। बल्कि उलमा ये कहते हैं करो, मगर करो तो आपे से बाहर मत हो जाओ, कोई ऐसा काम ना करो जिससे दीन के भी मुजरिम हो और कानून के भी मुजरिम हो जाओ, ऐसा कोई काम मत करो। जाहिर है कि इल्म नहीं है, तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, तो अच्छा काम करने जाते हैं और ख़ुद नुकसान का काम करके बैठ जाते हैं। अब उसके बाद फिर क्या करो, पकड़ पकड़ के निकालो, छुड़ा छुड़ा के लाओ, और वो भी होता है, नहीं होता है, क्या होता है? इसलिए मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जो कुछ हो रहा है मुल्क में काबिल मज़म्मत है, इंतहाई काबिल अफसोस है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और हुक्मरानों की नरमी की वजह से जो जुरतें बढ़ रही हैं, हुक्मरानों को ख़ुद सोचने की ज़रूरत है, और अगर वो नहीं सोचते तो इसका अंजाम उनके भी आँखों के सामने आएगा। हम लोगों को भी चाहिए कि हम ये मानें कि हमारा दीन से दूर हो जाना, नबी से दूर हो जाना, नबी के लिए ऐसे वक्त के आने का सबब बन रहा है। हम भी तय करें कि हम अपने नबी के आशिक बनेंगे, अपने नबी के करीब बनेंगे। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उनके लिए एक जुलूस निकाल दें, बल्कि उनके दीन को ज़िंदा करें। उनके खून पसीने की खेती सूख रही है, इसको हम पानी दें, इसको हम सरसब्ज़ शादाब करें, इस खेती को फिर से लहलहाने वाले बनें। इसके लिए हम अपनी ज़िंदगियों के मुजाहिदे कुर्बान करें। नबी ने हर तकलीफ़ उठा करके इस खेती को इस्लाम की हरा भरा किया था, हम भी उनके लिए कुछ कुर्बानी दें ताकि यह इस्लाम ज़िंदा हो, नौजवान अल्लाह के करीब हों, मस्जिदों से करीब हों, तकवा वाली ज़िंदगी को पसंद करें, गुनाहों वाली ज़िंदगी से दूरी अख्तियार करें। और ये जो बड़े बड़े जराइम जिस पर खुदा का गज़ब उतरता है, जिस पर खुदा अपनी हिफाजत के हाथ उठा लेता है बंदों पे से, वो हम अपने अंदर से ख़त्म करें। हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें सच्ची, ये भी तदबीरें करें, और जो कानूनी तदबीरें हैं वो भी करें।
की गई और जो कुछ भी इकदाम हुकूमत ने किया है तो ये इकदाम जिस कदर भी उन्होंने किया है इतनी की भी तवक्को नहीं थी, जो कुछ उन्होंने किया है उनका शुक्र है कि उन्होंने किया है। बाकी हमें इस सिलसिले को बराबर जारी रखना है और उलमाए किराम भी और सियासी कायदीन भी इस बात के लिए फ़िक्रमंद हैं कि हुकूमत को इस पर मजबूर करें कि वो ऐसा ज़ाबता बना दे कि ये रोज़ रोज़ का किस्सा ख़त्म हो जाए। ऐसा ज़ाबता हुकूमतें और अदालतें बना सकती हैं, इसके लिए जद्दोजहद जारी है, जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आम में मुस्लिमीन को दो काम करने हैं, एक ये है कि आप जो भी प्रोटेस्ट करें वो अपने को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से ना करें कि इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता और हमारे नबी भी इसकी तालीम नहीं देते। और दूसरे ये कि अल्लाह की मददें लाने के लिए ज़रा अपनी ज़िंदगियों को बदलने का इरादा करें। अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह की मदद को लाने के वास्ते भी हमें कुछ बदलना होगा, रुजू इल्लल्लाह होना होगा। मक्के वाले बदर में आ गए थे, पूरी रात नबी किस तरह रोए सीरत में पढ़ लीजिए, तड़प तड़प के रो गए। सिद्दीक अकबर ने शाने पे हाथ रखा और कहा, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, बस कीजिए, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। पर नबी रोते ही रहे अल्लाह के सामने। क्या हम भी रो रहे हैं हमारे नबी की ज़िल्लतों और रुसवाइयों को देख करके? हमारे आँख में भी कोई आंसू आया? हमारे नबी ने खुद अल्लाह के दीन के वास्ते कितना रोया, कितना रोया है। ये हम कुछ नहीं करने की बात मत बोलो, बस काम की बात मत बोलो, बस सिर्फ जज्बात की बातें बोलो, ये हमारा मिजाज बन गया है। ऐसा नहीं करिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बस अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आखिर में मैं एक ऐलान करके बात ख़त्म करता हूँ और वह ऐलान ये है कि हमारे जो बच्चे कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं, आला असरी तालीम हासिल करने में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये एक MS एजुकेशन की जानिब से खुसूसी पेशकश है कि अगर वो IAS के लिए और IPS के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग मुफ्त क़ियाम व तआम के साथ कौम के बच्चों को इसकी तैयारी अच्छे ट्रेनर्स के ज़रिए से कराने का इंतज़ाम किए हुए हैं और ख्वाहिशमंद हैं। वो अपील कर रहे हैं मुस्लिम बच्चों से कि भाई आओ और एडमिशन करा लो। उनके यहाँ 28 अगस्त आखिरी तारीख है, पहले भी कई ऐलानात हो चुके हैं और ये आखिरी ऐलान है। जो भी 28 तारीख तक जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनका वो टेस्ट लेंगे और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का मुफ्त इंतज़ाम करेंगे कि वो IAS के लिए और IPS के लिए ट्रेनिंग करें। ये भी एक ज़रिया है, ये समझ कर करिए कि अगर हम इसके ज़रिए कामयाब होकर की पोस्ट पर जा सकें तो हम इंसानियत की अच्छी खिदमत करके अपने नबी का नाम रोशन करेंगे। इसलिए इस नीयत से हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए अगर जो बच्चे इस सिलसिले में ख्याल रखते हों या उनके वालिदैन यहाँ पर हों और उन्हें फ़िक्र हो और तवज्जो हो तो ये काफ़ी ख़र्चे का काम है अगर हमारे सामने मुफ्त हो रहा हो और अल्लाह के कुछ बंदे मदद करने के लिए तैयार हों। ज़ौक़ व शौक़ से हिस्सा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।